इकबाल ने जो कहा है, ये घड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। और हदीस में आता है हासिबु अनफुसकुम मिन क़ब्ल अन तुहासबू, मुहासबा कर लो अपना इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा अल्लाह के कटेरे में खड़े होकर किया जाए। हदीस है जिस पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लन तज़ूला क़दम इब्ने आदम हत्ता युस्अला अन ख़म्सिन, अल्लाह का कटेरा भी होगा जैसे अदालतों में कटेरे होते हैं, मुजरिम भी खड़ा है उधर से जो है वो कोई गवाह खड़ा है, उस अल्लाह के कटेरे से इंसान के कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक पांच चीजों का हिसाब न ले लिया जाए। अन उमर ही फी माफना, मैंने तुम्हें दुनिया में 70-80 साल दिए, कहां गलाए कहां गवाए, क्या किया मेरे लिए, कुछ किया आखरत के लिए, कुछ किया मेरे दीन के लिए, कुछ किया मेरी किताब के लिए, कुछ किया। वान शबाब ही फी मामला, खास तौर पर जवानी, जवानी का दौर, उमंगों का दौर, बलबलों का दौर, एम्बिशंस का दौर, वो जवानी कहां गलाई थी, हिसाब दो। वान माल ही मिन अलक तसबहु फी मा अनफकहु, दो सवाल जिंदगी, पहले पूरी जिंदगी फिर खास जवानी, फिर दो सवाल माल, कहां से कमाया था, हलाल से या हराम से, कहां खर्च किया था, नेकी में या याशियों में, बदमाशियों में, अलल्लो तलल्लो में, दौलत का इजहार, कोठी बुकाए नूर बनी हुई है बेटी की शादी है जबकि मुल्क में बिजली का बहरान है। आखिरी सवाल है वो अम्मा आमिला फीमा अलेमा, जो इल्म तुम्हें हासिल हुआ उसमें अमल कितना किया, अगर किसी को इल्म हासिल हुआ ही नहीं, अल्लाह मैं क्या करता, मैं तो उन मौलवी के पास जाता था उसने कभी मुझे कहा ही नहीं, चलिए कुछ तो होगा ना। इस दुनिया में कानून यह है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अल्लाह क्या नहीं है, इग्नोरेंस वहां एक्सक्यूज बनेगी और इग्नोरेंस का वबाल उन पर जाएगा जिनका काम था कि उन्हें बताएं और उन्होंने नहीं बताया। ये डेबिट क्रेडिट है अकाउंटिंग की, जिनके जिम्मे था बताना और नहीं बताया वो जिम्मेदार हो। लेकिन मैं ये कह रहा था आपको बताया गया, बताया जा रहा है, खुदा के लिए सोचिए, होश में आइए।